ब्रो मैं तो रेडी हूँ, तुम रेडी हो? एक मिनट, मुझे नहीं लग रहा कि तुम रेडी हो। क्यों भाई? तुम हमारे यूनिफॉर्म में से कुछ भूल रहे हो। ओह शिट। अच्छा तो मैं कह रहा था ब्रो, मैं तो अब रेडी हूँ फाइनली, क्या तुम रेडी हो? आइसक्रीम शेक स्लैश स्मूदी स्लैश जो भी हम खाने पीने जा रहे हैं। Yes, let's do this. Let's do this. अच्छा यार एक मिनट, इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं पूछूं ये गेम क्या है? आ रहे भाई, ये सरीना जूस बार के नाम से एक खोखा है जिसकी हमने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी रिसेंटली, इनके पास मॉन्स्टर शेक है, मतलब नॉर्थ नाजमाबाद में मॉन्स्टर शेक आ गया, तो हमने बोला यार ट्राई तो करना लाजमी है, तो अभी हम आए और अब पूछते हैं गेम क्या। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो क्या हाल है, कौन कौन से शेक है, क्या चीज़ यार? शेक तो बहुत सारे हैं, शिकागो बेस चॉकलेट फ्रापाचिनो है, उसके अलावा किटकैट, न्यूटेला, ओरियो, माइलो। भाई इतनी भगदड़ मच गई है यहाँ पे, अंकल ने बोला सामान खत्म हो गया, तुम क्यों आ गए तुम लोग? काफी डिलिब्रेशन के बाद हमने डिस्कस किया, हमने सोचा है कि यार देखें इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट तो हम नहीं खा सकते, तो भाई भी रेकमेंड कर रहे हैं कि हम कल आ जाएं, तो हम कल आ जाएं भाई, कल कुछ खास करते हैं। ओए होए मतलब सीन ऑन ब्रो। अब भाई फिर से आ गए हम लोग, तैयार तो होने से मेकअप नहीं। खैर भाई फिर से आ गए हम लोग, और आज भाई ने मैंने दूर से पूछ लिया था भाई बता दो माल है, वरना हम जा रहे हैं, बोला भाई माल है, तो अब हम मॉन्स्टर शेक ट्राई करेंगे सरीना जूस बार बार। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको शुरू कहाँ से करूँ, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज जो अभी हो रहा है। तीन टाइप की चॉकलेट, कोई चार टाइप के नट, मशरूम भी मुझे शायद दिखा था, लॉट्स ऑफ आइसक्रीम, चॉकलेट शेक, मार्शमेलोस। देख भाई तू खाना शुरू कर दे इससे पहले कि मैं हाथ मार दूँ। यार मैं अंदर तो नहीं, मैं बाहर से शुरू करता हूँ। ये पहला शेक होगा जो तुझे खाना पड़ रहा। स्वीट, देख मीठा उसको बोलो तो अंडरस्टेटमेंट है। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, तू बता भाई। यार देखो जब भी कोई ऐसी खतरनाक चीज आती है ना, तो भाई की रिस्पांसिबिलिटी होती है बताना कि गेम क्या है। तूने भी सही से खाया नहीं है, देख सबसे पहले बात है, मैं काफी इंटिमिडेट हो गया था इसको शूट कर कर गया। भाई आई थिंक इसकी मजे की बात यह है कि इसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से इंजॉय किया जा सकता है, एवरी बाइट इज वेरी डिफरेंट, हर निभाने में कोई ना कोई नया आइटम आ रहा है। भाई पिछले 5 मिनट से मैं शेक के अतराफ का जो इलाका है ना उसे खाने की कोशिश कर रहा हूं। आइलैंड, बेसिकली आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर ये जग जो है ना तैर रहा है, तो आप पहले इसके बादाम शदाम खाएं, चॉकलेट खाएं, फिर अंदर के मवाद पे पहुंचेंगे। मार्शमेलोज़ खाएं, बंटीज़ खाएं, वैसे ये दो बंदों के लिए भी नहीं है,
मुझे लगता है 5 बंदे इसको खत्म कर सकते हैं। मैं खैर अपन दो भी 5 बंदों से कम नहीं है। एक मिनट पहले समझना पड़ेगा इसने बड़ा गुस्सा बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी। भाई अंदर का तो खत्म हो गया, मैं एक लैब लगा कर आ रहा हूँ। हम लोग 90% टाइम जो है ना खाना खत्म कर लेते हैं, मगर ये देख के आज हम थोड़े इंटिमिडेट हो गए। बस सेहत का ख्याल रखना है तो टीम को बुला लिया हमने, जिस तरह एवेंजर्स असेंबल होता है ना, तो सरीना बॉयज असेंबल। मोहम्मद इमरान जो यहाँ पे यहाँ की शेफ हैं, उन्होंने बोला था शिकागो इज बेस्ट चॉकलेट फ्रैपेचिनो, हमने अभी खाया है। फाइनली खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। तो इन केस यू वर वंडरिंग कि ये है कहाँ पे, शुरू में आपने मिस कर दिया हो, तो ये सरीना में मौजूद है। उसका नाम है सरीना जूस बार और ये क्रिएशन जो है पूरे 1450 रुपये। तो कैसा लगा वो हम आपको बताते हैं थोड़ी देर। क्या प्रोडक्ट है यार? अच्छा थोड़ा फुर्सत से बताता हूँ भाई। सीन ये है कि पहली बात तो ये है कि अंकल ने जिस इलाके के अंदर इतनी इनोवेशन दिखाई है, कमेंडेबल बात है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई बहुत बहुत भारी था। बहुत सारे लोग शायद बोलें कि आप बहुत मीठा था, ख़त्म नहीं हुआ, तो भाई उसका मकसद ही है कि वो ख़त्म आपसे नहीं होगा। आप पूरे कुंभे को लेकर जाएँ वहाँ पर, सारे फैमिली वालों को, कज़नों को, बच्चों को, वो सब मिल के ख़त्म करेंगे। तीसरी बात ये कि लोग बोलेंगे महंगा है, यार अंकल ने बहुत माल लगाया था तो वो भी जस्टिफाइड है। चौथी बात टेस्ट, अंदर का जो शेक था वो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था। बाहर वाली चीज़ फॉर मी गॉट अ लिटिल टू हैवी, बट ओवरऑल आई लव्ड इट। दानिश व्हाटएवर ही सेड, ओके बाय। पीछे आ रहा है, इतना दूर नहीं भाग रहा है। ओके बाय, प्लीज सब्सक्राइब एंड